कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन मंगल में पंडाल में जब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण के पावन मंगल में कृपा से आइए चलते हैं कथा के उसी प्रवाह में। देवऋषि नारद जी ने भक्ति माँ से बोला, माँ कृपा करें आप सबके अंदर में आपका प्रवेश हो जाए। भक्ति माँ ने कहा, नारद जो कोई मेरे महामंत्र का गायन करेगा उसके हृदय में मेरा प्रवेश हो जाएगा। मेरा महामंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे सब भक्तों ने ये गाया, सबके हृदय में भक्ति माँ का प्रवेश हो जाने लगा नारायण। तब ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अनुसार प्रथम तीन अध्याय नारद भक्ति संवाद, नारद जी की भक्ति माँ से भेंट, भक्ति को दुख दूर करने का उपाय और भक्ति माँ का दुख दूर होना, ये तीन अध्याय यहाँ पर विश्राम लेते हैं। ये पावन कथा सूजी महाराज शंकादि ऋषियों को सुना रहे हैं नेमिष अरण्य के पावन क्षेत्र में। नेमिष अरण्य क्या है? नेमिष अरण्य क्या है? यहाँ सूजी महाराज शंकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। नेमिष अरण्य वो जगह है नारायण, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में कथा आती है कि जब सतयुग था, परंपरा बनी, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ, जब चार युगों का व्यवस्था बनाई गई, भगवान श्री कहने लगे कि प्रथम युग जो होगा सतयुग, उसकी एक विशेषता होगी, सब लोग सच बोलेंगे। उसके बाद होगा त्रेता युग, उसकी एक विशेषता होगी, सब लोग तप करेंगे, यज्ञ करेंगे। उसके बाद होगा द्वापर युग, कुछ कहते हैं द्वापर युग पहले आया पर नहीं, द्वापर बाद में आया, त्रेता के बाद फिर आया द्वापर युग। द्वापर में सब लोग दान करेंगे। उसके बाद कलयुग बोला, कलयुग में सब बुराई बोली, सब बुराई होंगी। तो उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु जी से कहा कि भगवान कलयुग में सब बुराइयां होंगी, परंतु कोई जगह ऐसी होगी जहां कलयुग रहते हुए कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब विष्णु भगवान जी ने कहा हाँ ब्रह्मा जी से कि चतुरानंद ब्रह्मा, कलयुग में एक जगह ऐसी होगी जहां कलयुग रहते हुए भी कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कौन सी जगह है? भगवान विष्णु जी ने अपनी उंगली से सुदर्शन चक्र को छोड़ा और ये कहा कि ये कलयुग में जहां जाके गिरेगा, जितनी जगह घेरेगा, वहां कभी भी कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। और वो सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली से वैकुंठ लोक से चला और चलते चलते सीधा आया मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक में भी आया भारत में, भारत में भी आया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी आया जिला सीतापुर में, और जिला सीतापुर में जो जगह हुई एक जंगल में जाके गिरा। जंगल में जहां के गिरा उस जगह का नाम हुआ नेमिष अरण्य। नेमिष अरण्य शब्द का अर्थ है, नेमी कहते संस्कृत में चक्र को और अरण्य कहते जंगल को। चक्र ने जंगल में जितनी जगह घेरी वो बना नेमिष अरण्य। तो ये पावन कथा सूची महाराज शंकादि ऋषियों को नेमिष अरण्य के पावन क्षेत्र में सुना रहे थे नारायण। उन्होंने कहा सूची महाराज जी ने शंकादि ऋषियों से कि मैंने पावन मंगल में नारद भक्ति संवाद आपको सुनाया। शंकादि ऋषियों ने कहा कि महामना सूत जी, आपने ये भक्ति माँ का संवाद सुनाया, उनके दोनों बालकों का संवाद सुनाया कि दोनों बालक कथा के भागवत के दर्शन मात्र करने से ही स्वस्थ हो गए, सब रोग उनके इसी तरह से समाप्त हो गए जैसे वृक्ष के ऊपर से सूखे पत्ते अपने आप एक हवा के झोंके में गिर जाते हैं। भागवत महापुराण के दर्शन से ऐसे व्यक्ति के पाप रोग शोक समाप्त हो जाते हैं।
नारायण, परंतु ये तो भक्ति माँ थी ऐसा हुआ, भक्ति तो भगवान है ऐसा हुआ, भक्ति माँ के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य शक्तिवान भगवान है ऐसा हुआ, भगवान के साथ कुछ भी करिश्मा हो सकता है, भागवत महापुराण की ताकत है ऐसा हुआ, क्या कोई पापी से पापी व्यक्ति भी भागवत महापुराण की शरण में आया और उसका उद्धार हुआ? एक मनुष्य अपने लेवल की बात पूछता है, भगवान का तो करिश्मा सब कुछ हो सकता है, क्या किसी पापी इंसान के जीवन में भागवत महापुराण की शरण में आने से उसके पाप समाप्त हुए? सुजी महाराज कहते हाँ, शुनकादि ऋषियों मैं तुम्हें ऐसा इतिहास सुनाता हूं जिसमें पापी व्यक्ति का उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आने से हुआ। तब उन्होंने एक कथा सुनाई जो भागवत महापुराण के महात्म्य में अति आवश्यक है। उन्होंने गोकर्ण धुंधकारी उपाख्यान सुनाया कि एक बात की चर्चा, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था। मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगी, जितने भी राज्य हैं सब किसी न किसी नदी किनारे बसे हुए हैं। ये साबरमती के गुजरात, उत्तर प्रदेश हरियाणा यमुना के तट, उत्तराखंड गंगा के तट, ये गोमती का तट, किसी न किसी नदी ने उनको जरूर बड़ा सौभाग्य दिया है। आज मंगलमय कृपा से चर्चा चल रही थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था। अनुपम नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण सदा त्रिकाल संध्या करने वाले, स्व आत्मा में रमण करने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले और उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। नारायण, वो ब्राह्मण का जीवन धन्य है जिसने शिखा सूत्र धारण किया है, वो ब्राह्मण का जीवन धन्य है जिसने गायत्री जप किया है, वो ब्राह्मण का जीवन धन्य है जिसने त्रिकाल संध्या की है। नारायण, मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य कहलाने का उसी को अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य के कंधों पर तीन तरह का ऋण होता है, एक देवताओं का, एक ऋषियों का, एक पितरों का। इसलिए क्षत्रिय और वैश्य के कंधों पर तीन तार का जनेऊ धारण करवाया जाता है। तीन तार के जनेऊ का अर्थ क्या होता है कि तीन कर्ज हैं तुम्हारे कंधे पर, याद रखो। और जनेऊ को कंधे पर क्यों रखते हैं? क्योंकि कंधे पर कर्ज है, उठा के चल रहे हो, उतारना है इसको। क्षत्रिय और वैश्य तीन तार का जनेऊ धारण करते हैं और ब्राह्मण के कंधे पर छह तार का जनेऊ होता है तीन तार की बजाय। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के कंधे पर दोगुना वजन होता है, एक अपना, एक अपने यजमान का। क्योंकि यजमान ब्राह्मण देवता के चरण छूते हैं कि पंडित जी आप हमें राह दिखाओगे, हमारे भी मार्गदर्शक आप हो और अपने भी मार्गदर्शक आप हो, इसलिए छह तार का जनेऊ आपके कंधों पर है। ब्राह्मण गृहस्थ के मार्गदर्शक है। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने त्रिकाल संध्या करके सुबह मध्यान्ह और शाम देवताओं के कर्ज से मुक्त होने की कोशिश की। कैसे देवताओं के कर्ज से मुक्त हो सकते हैं? देवताओं की पूजा करके, जैसे नवरात्र, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, एकादशी, ये देवताओं की पूजा है। और ऋषियों की कर्ज से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? जिन ऋषियों ने आपको अपनी संतान बताई, आपको याद है आप सप्त ऋषियों की संतान है। जब ब्राह्मण देवता आपसे संकल्प करवाती है पूजा का, तो आपसे कहते हैं अपना गोत्र बोलिए, कोई कश्यप गोत्र, कोई गर्ग गोत्र, कोई शांडिल्य गोत्र, आप कौन से गोत्र में हैं? जिस किसी को गोत्र याद नहीं होता ना, तो कश्यप ऋषि ने बोला है जितने भी भूले भटके सब मेरी संतान है, बोल दिया करो कश्यप गोत्र। आप सप्त ऋषियों की संतान है। जिन ऋषियों ने आपको अपना गोत्र दिया, जिन ऋषियों ने मनु महाराज जी के अनुसार आपको मनुष्य बनाया, नारायण वो मनु महाराज आपको कहते हैं कि पंचदेव उपासना रोज किया करो, पांच देवताओं की पूजा रोज किया करो। पांच देवताओं की पूजा दो तरह से होती है, एक होती है मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा, राष्ट्र देवो भवा,
ये पांच देवताओं की पूजा है। और एक पांच देवताओं की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा, शंकर जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा और सूर्य नारायण की पूजा। ये पांच देव उपासना है हमारे यहाँ मनुस्मृति में। तो नारायण भगवान की कृपा से आप ऋषियों के संतान हैं, तो ऋषियों की परंपरा के अनुसार आप पंचदेव उपासना करें। यदि आप पितरों के कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो नारायण आपके पूर्वजों ने जो आपको अपना संतान बनाया, आपके पूर्वजों ने आपको बेटा पोता जो भी परंपरा के अनुसार बनाया, नान उन पूर्वजों ने आपको अपना नाम दिया, गोत्र दिया, पहचान दिया, अंश बनाया, संतान दिया, अपनी अपना उत्तराधिकारी बनाया, वो आपसे चाहते हैं कि जैसे हमने आपको बनाया ऐसे आप भी बनाएं। और आप आंखों देखते देखते जैसे आपके पिता ने आपको सत्कर्म करना बताया, वैसे आप अपने बच्चों को अपनी आंखों देखे हुए सत्कर्म करना बताए। जब आपका बेटा आपके सामने तर्पण सेवा का कार्य करने लग जाए तो सोच लेना आप पितृ ऋण से पूर्ण हो गए हैं। उससे ना पिता की संपत्ति का अधिकारी तो पुत्र है, पर उस दिन पिता के जीवन को सार्थक माने जिस दिन पुत्र पिता की संतति का उत्तराधिकारी बन जाएगा। संपत्ति का नहीं, संतति मतलब संस्कारों का उत्तराधिकारी बन जाएगा, उस दिन आपका जीवन धन्य मान लीजिए। संपत्ति तो आप दे दो तो भी उन्हीं की है, और नहीं दे दो तो भी मरने के बाद उनकी है, वो ले लेंगे, परंतु संतति संस्कार जिस दिन आपने उनको दे दिए ना, उस दिन आपका भी जीवन धन्य है और आपके बच्चों का भी जीवन धन्य है। आप पूर्वजों के कर्ज से उस दिन मुक्त हो जाएंगे। आज श्रीमन्नारायण की पावन मंगल में कृपा से सूची महाराज शंकरादि ऋषियों को सुना रहे हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया, मैं देवताओं के कर्ज से मुक्त हो गया, मैं ऋषियों के कर्ज से मुक्त हो गया, परंतु पितरों के कर्ज से मुक्त होने के लिए मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना होगा, संतान को जन्म देना होगा, पुत्र को जन्म देने के उपरांत पुत्र को संस्कार देने होंगे, मेरे देखते देखते पुत्र मेरे पद चिन्हों पर चलने लग जाए तो मेरा जीना और मरना दोनों सफल हो जाएगी। याद रखना नारायण, इस दुनिया में पुत्रवान तो अनेक हुए हैं, परंतु पुत्र सुख किसको मिला है ये दिल पर हाथ रख के अपने से पूछिए और अपने आप को इसका उत्तर दीजिए। पुत्र सुख किसी किस्मत वाले को मिलता है नारायण, पुत्रवान तो सभी हैं, परंतु पुत्र सुख नहीं मिलता सबको, पुत्र सुख मिले ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है। श्रीमन नारायण की पावन मंगल में कृपा से आज आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं, संतान जन्म ले, पुत्र को संस्कार दूं और तब मैं पितृ ऋण से ऋण हो सकता हूं। मन में विचार किया गृहस्थ आश्रम में जाने का। इंसान का जीवन में तीन बार जन्म होता है, एक बार जन्म माँ पिता देते हैं, दूसरा जन्म जब विवाह होता है सब कुछ बदल जाता है। नान विवाह के बाद इंसान के सारी दुनिया ही एक बार बदल जाती है, नया जीवन हो जाता है, कन्या का तो नाम गोत्र भी बदल जाता है। तीसरी बार नया जन्म कब होता है नारायण? जब हम दुनियादारी से हट करके, संसार से परे हट करके सच्चे सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाके मस्तक झुका करके कहते हैं मुझे भवसागर से तैरने का रास्ता बताइए, और वो हमें मंत्र दीक्षा जब देते हैं ना तो हम तैरना की कोशिश करते हैं, वो तीसरा जन्म तब होता है। अब हम इनकी संतान है, हम सद्गुरु की संतान है, हमारा एक और रिश्ता जुड़ गया, हमारा एक और परिवार बन गया, ये तीसरा जन्म है नारा। तीन बार इंसान का जन्म होता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा। नारायण एक इंसान जब गृहस्थ आश्रम में जाने का मन बनाता है, बचपन से उसके ख्वाब होते हैं मैं बड़ा होऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे घर मेरी पत्नी आएगी। परंतु संत और ग्रंथ कहते हैं भटकना जिनकी आदत है
कभी वो घर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, जो करते हैं गुरु निंदा कभी वो तर नहीं पाते, जो करते हैं गुरु निंदा कभी वो तर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो कर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो तर नहीं पाते, ये गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, ये गूंगे गीत जिस तरह कभी वो स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, जो करते हैं गुरु निंदा कभी वो तर नहीं पाते, जो करते हैं गुरु निंदा कभी वो तर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। देवऋषि नारद जी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मैं विवाह करके संस्कारवान पत्नी आई, पर संयोग की बात कहिए, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, हो या वही जो राम रच लागा। जो विवाह करके पत्नी आई उसका नाम था धुंधली। धुंधली यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे संस्कार थे। धुंधली शब्द का अर्थ है जिसमें कुछ दिखाई ना दे, धुंध उसे कहते हैं जिसे कुछ दिखाई ना दे, और धुंधली शब्द का अर्थ है जिसकी अपनी मति काम ना करे, औरों का कहना ना माने, इस शब्द का अर्थ है धुंधली। जिसकी अपनी बुद्धि काम ना करे, दूसरे का कहना ना माने, उसको कहते धुंधली। आत्मदेव की जो पत्नी थी उसका नाम था धुंधली। आत्मदेव ने तो सोचा था विवाह हो जाएगा तो चार हाथ से मैं सेवा करूंगा, गाय की ब्राह्मण की सेवा करूंगा, गंगा स्नान करूंगा, गायत्री जप करूंगा। संयोग की बात कहिए, आत्मदेव ब्राह्मण तो कहे कि यज्ञ में शामिल हो जाओ, धुंधली देर तक स्नान ना करे। आत्मदेव ब्राह्मण के भगवान के लिए भोग बनाओ, देर तक सो के ना उठे। आत्मदेव ब्राह्मण के गंगा स्नान करने चलो, परंतु एक भी कहना ना माने, जो कहे वो एक कहना ना माने। परिणाम ये हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण के घर में हरा भरा वृक्ष है, आंगन में उसके कोई फूल नहीं है, फल नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में गाय है, उसके कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है। परिणाम ये हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण के घर में ही कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी, क्योंकि प्रगति खत्म हो गई। इंसान अपने भाग्य का खुद निर्माता है, कुछ भाग्य भगवान बनाते हैं, कुछ हम खुद लिखते हैं। जब आत्मदेव ब्राह्मण घर में जाए, पत्नी कहना ना माने, दिल में मन में अशांति है, टेंशन है, बाहर जाए तो समाज का कार्य अच्छे से ना बन पाए। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण समाज के किसी कार्य से समाज में गए, समाज के एक व्यक्ति ने आत्मदेव ब्राह्मण से कह दिया कि पंडित जी, जब से तुम्हारा विवाह हुआ ना, तब से तुम्हारे घर की प्रगति खत्म हो गई है, न तुम्हारे घर में कोई संतान, न तुम्हारे घर गाय की कोई बछड़ा बछड़ी, और तो तुम्हारे वृक्ष के ऊपर भी फूल फल नहीं है। आप एक बात भूल जाना कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं है, ये भूल जाना इस बात को कि समाज को क्या पता इस चीज का। याद रखना नारायण, समाज एक साफ शीशा है,
जो आप नहीं देख सकते, दुनिया आपको आपका शीशा दिखाती है कि आपके घर में क्या चल रहा है। दुनिया को सब पता है आपके घर में क्या भोजन पक रहा है, आपको पता नहीं होगा, पड़ोसी खुशबू सूंघ के बता देंगे आज ये बना। तुम्हारे घर में कौन आया आप भूल जाओगे, पड़ोसियों को याद है इतने नंबर की गाड़ी आई, इतनी देर रुकी, इतने रंग की गाड़ी थी और अब गई। आप भूल जाइए इस बात को, आप क्या छुपा लेंगे लोगों से, आपकी क्या कमाई है आप भूल जाएंगे। पड़ोसियों ने पूरी डायरी मेंटेन कर रखी है आपकी, इतनी दुकान का इतना किराया, इतनी जमीन में इतना आया, इतनी आपकी नौकरी आई, कितना आप खा सकते हैं, बाकी सारी बचत। भूल जाना नारायण इस बात को कि दुनिया आपको नहीं जानती है। नारायण आपके घर में क्या चल रहा है समाज को सब पता है। आज गांव की व्यक्तियों ने कह दिया आत्मदेव तुम्हारे घर की प्रगति खत्म हो गई। इंसान घर में तो क्लेश सहे, बाहर आए तो समाज ताना दे, आत्मदेव ब्राह्मण से सहन नहीं हुई और आत्मदेव ब्राह्मण ने निर्णय कर लिया इससे बढ़िया तो यही है कि मर जाऊं तो ठीक है। आत्मदेव ब्राह्मण ने आत्महत्या करने का विचार बना लिया और तुंगभद्रा नदी के तट पर पानी में छलांग लगा के मर जाऊंगा। जैसे नदी के तट पर गए पानी में छलांग लगाने के लिए तो क्या देखते हैं, नदी से उस पार एक संत भगवान बैठे, नाम नहीं है भागवत महापुराण में, सन्यासी, एक संत भगवान बैठे हैं। उन्होंने देखा लक्षणों से तो ब्राह्मण है, जनेऊ है, तिलक है, कंधे पर गमछा है और इतना शास्त्र निंदनीय कर्म करने जा रहे, आत्महत्या। संत भगवान को दया आ गई और संत भगवान ने वहीं से आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता पंडित जी ये शास्त्र निंदनीय है, क्या कार्य करने जा रहे हो। ब्राह्मण देवता पंडित जी ये क्या करने जा रहे हो, याद रखना ये उबाल होता है, एक आवेश होता है कि मैं इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। अरे मान लिया आपने, सोच लिया कि बढ़िया मैं मर जाऊं, क्या आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है कि मरने के बाद सुखी हो जाओगे। दो हाथ दो पांव, स्वस्थ बुद्धि होते हुए आप खुश नहीं रह सके तो मरने के बाद भी सुख मिलने वाला नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण संत भगवान के पास गए, संत भगवान ने पूछा क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे से दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब बोले महाराज जी बहुत परेशान है, घर जाता हूं तो पत्नी कहना नहीं मानती, बाहर जाता हूं तो समाज के लोग ताना देते हैं, मैं कहां जाऊं, इससे बढ़िया मर जाऊं तो ठीक है। उन्होंने कहा मर जाना कोई अच्छा काम है, दुनिया में इंसान बड़ा है मुसीबत बड़ी नहीं है। बोल महाराज जी बस अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, दो बात है, या तो पुत्र चाहिए और नहीं तो मैं मरूंगा, या तो पुत्र चाहिए और नहीं तो मैं मरूंगा। महाराज जी का बस इसका मतलब या तो पुत्र नहीं तो बहुत, दुनिया में जिनके पुत्र नहीं है वो सब मर गए। बोल महाराज जी आपको क्या पता बिना पुत्र के दुनिया में कैसे लोग ताना देते हैं। आपको एक सच्ची घटना बताऊं, सच्ची घटना है, जहां आप जिस धरती पर अभी आप बैठे हैं इस धरती का इतिहास गवाह है इस बात के लिए। आपने कभी रामदेवरा सुना, रामदेवरा रुणीचा के रामदेव, रुणीचा के रामदेव, रामदेव रामदेव जी कहते हैं रुणीचा के रामदेव जी जो घोड़े पर सवार है वो वाले रामदेव जी, उनके लिए मैं आपको जिक्र कर रही हूं। उनके पिता जिनका नाम था अजमल, अजमल के कोई संतान नहीं थी। एक बार की सच्ची घटना ऐसी कलयुग की कि अजमल रुणीचा गांव में रहते थे। रुणीचा गांव वहां है जहां पर आज से बहुत समय पहले पोखरण, आपने कभी नाम सुना था पोखरण, बीकानेर से लगभग 250 किलोमीटर जैसलमेर जोधपुर बिल्कुल जहां आगे भारत की सीमा खत्म है 20 किलोमीटर बाद। तो नारायण हुआ क्या, अजमल जब जिनके संतान नहीं थी, राजस्थान में बारिश कभी कभी होती है और खेती बारिश पर निर्भर होती है, खुशहाली एक बार दिल खोल के बारिश हुई और बारिश का इंतजार करते हैं सब लोग। बारिश हुई तो सभी किसान कल सुबह खेत जुताई के लिए बीज बोने के लिए गए। जब बीज बोने के लिए जाने लगे खेती का, अजमल भी बीज बोने के लिए घर से चले सुबह सवेरे। जब गए तो गांव के लोगों ने देखा
अजमल का सुबह सुबह आमना सामना मिलना हुआ। गांव के लोगों ने कह दिया अपशगुन, निसंतान के दर्शन हो गए सुबह सुबह, खेत में बीज बोने जा रहे हैं, खेत भी खेत का बीज ही नहीं फलेगा, मतलब खेती नहीं उगेगी, निसंतान के दर्शन हो गए सुबह सुबह। अब गांव ने तो कह दिया, इतनी सी देर लगती है कहने के लिए, अजमल के ये बात चुप गई और चले वहां से सीधा रुणीचा गांव से उनके इष्ट थे द्वारिकानाथ भगवान, सीधा यहीं आए। याद रखना, रोते को जो रुलाए उसे इंसान कहते हैं और रोते को जो हंसाए उसे भगवान कहते हैं। वहां सीधा चले और पहुंचे कहां, द्वारिकानाथ के पावन दरबार में, जहां पर हम अभी जाते हैं। कोशिश किया करो नारायण, दिन में एक बार तो जरूर भगवान के दर्शन किया करो, कर लो चाहे चार बार भी कोई ना नहीं। और चलते उठते बैठते अपने कमरे से गुंबज और ध्वजा को उठते प्रणाम किया करो नारायण। तो अजमल वहां से चले सीधा द्वारिकानाथ भगवान के पास पहुंचे। जैसे भगवान के पास पहुंचे और पहुंचते प्रसाद लिया बाहर से भगवान के लिए, और भगवान के सामने जैसे पहुंचे और कहते अच्छा आप बैठे हो यहाँ आराम से, मैं आपका भक्त, आपके सहारे जिंदगी जीने वाला, आपको अपना स्वामी, आपको अपना सब कुछ मानने वाला, लोग मुझे ताना दे रहे और आपको कोई फर्क नहीं है, एक लड्डू निकाला अपने प्रसाद का और एक दे मारा भगवान के ऊपर। पुजारी जी ने सोचा पागल आ गया, कोई भगवान को ऐसे लड्डू मारता है, पागल आ गया। जैसे दूसरा लड्डू निकालने लगा पुजारियों ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ये मेरी और भगवान की बात है। बोलिए भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, क्या कर रहे हो। बोले तो ये कौन है। बोलिए पत्थर की मूर्ति। तो अजमल कहते भगवान कहाँ है। उन्होंने कहा भगवान है समुद्र के नीचे। बोले तो दिखाओ भगवान कहाँ है, दिखाओ। उन्होंने कहा चले जाओ सामने समुद्र है उसके अंदर भगवान है। बोल नहीं मेरे साथ चलो। पुजारी जी ने कहा पागल है इसको दूर हटाओ, और नाव में बैठा करके ले गए। नारायण आप भी जाओगे नाव में बैठ के भेंट द्वारिका भगवान के दर्शन करने। भेंट द्वारिका उनका नाम क्यों हुआ, क्योंकि सुदामा और कृष्ण की भेंट जहां पर हुई थी उस जगह का नाम है भेंट द्वारिका। 5 किलोमीटर नाव में बैठ के जाना पड़ेगा, नाव में बैठ के अकेले मत जाना, सबके साथ में जाना। नारायण डर नहीं है आपको, पर मुझे चिंता फ्री करने के लिए मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी भगवान ने लगाई है, अकेले नहीं भेजना किसी को, संघ के साथ में जाना। तो नारायण तब अजमल को पुजारी जी ने कह दिया भगवान समुद्र के अंदर रहते हैं। उन्होंने कहा चलो दिखाओ मुझे। पुजारी जी अजमल को ले गए और ले जा करके किश्ती में बैठाया और समुद्र के अंदर ले गए। गहरा समुद्र जब आ गया बोले इसके अंदर भगवान है, जा छलांग लगा। अजमल कहता नहीं जाऊंगा, पहले आप छलांग लगाओ फिर मैं लगाऊंगा, पहले आप लगाओ। पुजारी जी ने सोचा अब नहीं बचूंगा। समझदार थे पंडित जी, उन्होंने छलांग लगाई, उन्होंने छलांग लगाई और पीछे पीछे अजमल ने छलांग लगाई। पुजारी जी तो तैर के आए और घूम के किश्ती पकड़ लिया और अजमल सीधा अंदर और नीचे गए और नीचे जाके देखा तो भगवान शेष की शैया पर आराम से सोए हुए भगवान। उनको देखते ही अजमल कहते अच्छा यहाँ छुप के सो गए कि हम तुम्हारे तक पहुंच ना सके, मैं फिर भी पहुंच गया। यहाँ सोयो आराम से, लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मैं तुम्हारा भक्त, तुम मेरे स्वामी, छिप के सो गए, दुख दर्द कौन सुनेगा हमारा, किसको बताएंगे अपनी परेशानी। तब तक देखा कि भगवान माथा पोंछ रहे हैं। कहते क्या हुआ। एक पागल ने पत्थर मारा, माथे से खून बह रहा है। क्या हुआ। एक पागल ने पत्थर मारा। उन पत्थर लड्डू तो मैंने मारा था, आपको पत्थर लगा, इसका मतलब ये था लड्डू तो मैंने वहां मारा था, इसका मतलब पुजारी जी जो कह रहे थे ये भगवान नहीं है ये पत्थर है, इसका मतलब आप वहां पे थे तब आपको ये पत्थर लगा,
अब मेरी समझ में बात आ गई, अब मेरी समझ में बात आ गई, पकड़ लिए पाँव और कहा अब सुनो मेरी कहानी, मैं क्यों आया हूँ, अब सुनो मेरी कहानी, मैं दर्द भरी कहानी लेके आया हूँ भगवान, यही रहूंगा या तो संतान दे दो, यही रहूंगा या तो बेटा दे दो। भगवान ने कहा जा, तेरी किस्मत में बेटा नहीं लिखा है। बोले नहीं लिखा, वो तो मेरे को पता था, लिखवाने आया हूँ, लिखो नहीं तो नहीं जाऊंगा, या तो लिखो नहीं तो नहीं जाऊंगा। नारायण भगवान ने कहा अब नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा जा, लिख दिया तेरी किस्मत में जा। बोले ऐसे ना बहकाओ, लिख दिया मैं चले जाऊं और पीछे खाली हो तो। बोले जा, तेरे को कह दिया तेरी किस्मत में बेटा नहीं है, मैं तेरे घर बेटा बन के आऊंगा, जा। अजमल कहता है नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बोले ये बताओ, आप मेरे घर बेटा बन के आओगे, क्या पहचान है उसकी, क्या पहचान होगी उसकी। भगवान ने कहा देख अजमल, जिस दिन मैं तेरे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा, उससे एक दिन पहले पूरे गांव में बरसात होगी, पूरे गांव में तो पानी की बरसात होगी और तेरे आंगन में दूध की बरसात होगी, तो सोच लेना मैं आ रहा हूं। अजमल ने जब ये सुना, भगवान ने कहा दूसरी बात सुन, जिस दिन मैं तेरे घर पुत्र बन के आऊंगा, जिस दिन मैं तेरे घर पुत्र बन के आऊंगा, उस दिन की एक पहचान होगी कि उस दिन रात को सोके तुम जगोगे ना सुबह, तो तुम्हारे घर के आंगन में छोटी छोटी पांव के निशान रोली जैसे लाल रंग के दिखाई देंगे, जो बाहर से अंदर तेरे आंगन में आएंगे, तो सोच लेना मैं तेरे घर पुत्र बन के आ गया। अब अजमल ने समझ लिया कि ठीक ठीक यही ठीक है, जो कह दिया भगवान ने वो ठीक है। नारायण चले गए, भगवान ने कृपा की कि घर में संतान जन्म लेगी। इंतजार हुआ, एक दिन ऐसा आया, पूरे गांव में पानी की बरसात हुई, अजमल के आंगन में दूध की बरसात हुई। हम कहते हैं ना, पूत आया कि दूध आया, दूध आया कि पूत आया। नारायण घर के आंगन में दूध की बरसात हुई। जब सूर्य उदय होता है तो रोशनी पहले से दिखाई देने लगती है। जब अच्छा समय आता है ना, याद रखना, इंसान अच्छा नहीं होता, समय अच्छा होता है।